सो गाइस कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। सो आज का टॉपिक ये है कि बहुत लोगों की क्वारी यही थी कि 1000 रुपये दे के, 2000 रुपये दे के, कितने भी पैसे दे के क्या हम अपना वॉच टाइम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि वॉच टाइम एक ऐसी चीज़ है गाइस, क्योंकि सब्सक्राइबर जो है वीडियो वायरल होते ही पूरे हो जाते हैं, किसी हद तक हम किसी के फ़ोन से कर देते हैं, कुछ भी करके कर देते हैं, लेकिन बात जब आती है 4-4 घंटे वॉच टाइम की तो वो बहुत करना इतना डिफ़िकल्ट होता है, मेरे को खुद को पता है, मेरा भी पूरा अभी हुआ नहीं ठीक से, थोड़ा बहुत रह गया वो हो जाएगा, तो ये चीज़ होती है ठीक है। तो अब लोग ये खास सोचते हैं कि कहीं पे हम पैसे देके अपना वॉच टाइम बढ़ा ले। पहले क्या था कि गूगल एड्स पे ही हमारा वॉच टाइम मिल जाता था हमें, जैसे हम उससे पैसे लगाए तो सब्सक्राइबर भी आ रहे और वॉच टाइम भी आ रहा है ठीक है। लेकिन अब गूगल एड्स पे क्या है कि सिर्फ सब्सक्राइबर ही लीगल है, वॉच टाइम जो है वो काउंट नहीं होता गूगल एड्स की तरफ से भी अगर आता है तो ठीक है। तो वो चीज़ अब हट चुकी है, गूगल एड्स की तरफ से अगर वॉच टाइम फिर से आने लग जाए वो फिर से लीगल होगा, लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी ऐप से, किसी पैनल जैसे लोग कंपनी होती है पैनल होते हैं, अगर आप उससे वॉच टाइम बढ़ाते हो अपना तो वो बढ़ तो जाता है, लेकिन गाइज वो आगे आपको फ्यूचर में बहुत दिक्कत देता है ठीक है। जैसे आजकल आप देखते हो कि लोगों के चैनल टर्मिनेट हो गए हैं, सस्पेंड हो गए हैं या रुक गए, फ्रीज हो गए हैं, वीडियो उनकी अब वायरल कभी होती नहीं, व्यूज़ उनके आते ही नहीं। तो यही चीज़ होती है गाइज, सब्सक्राइबर हो जाते हैं, वॉच टाइम पूरा हो जाता है, चैनल मोनेटाइज भी कैसे ना कैसे करके उनका हो जाता है, लेकिन क्या है कि तब 4000 घंटे का वॉच टाइम आप पैनल से कंप्लीट करते हो तो कभी ना कभी यूट्यूब को वो चीज़ पता चली जाएगी, चाहे मोनेटाइज के टाइम, चाहे मोनेटाइज होने के अगले दिन। क्या ऐसा भी होता है कभी कभी देखा गया कि आपका आज चैनल मोनेटाइज हो गया आपने करा हुआ और अगले दिन यूट्यूब ने आपके चैनल को ही परमानेंटली डिलीट कर दिया या टर्मिनेट कर दिया, कुछ भी आप उसको कह सकते हो ठीक है। तो पैनल के थ्रू अगर आप, और सबसे बढ़िया तरीका जो है वॉच टाइम काउंट करवाने का, गेन करने का, वो है कंटेंट में दम होना चाहिए, वीडियो में आपकी जान होनी चाहिए और जो आप वीडियो बना रहे हो बिल्कुल बेस्ट होनी चाहिए आपकी, उसमें कोई भी कमी रहनी नहीं चाहिए। जैसे आजकल क्या लगता है लोग कि रोज़ वीडियो डालनी है, बस डालनी है, उसमें कोई कमी रह गई तो रह गई, फिर उसको देखते ही नहीं कि उस कमी को सुधारना है, वो ऐसे ऐसे कि चलाते रहते हैं, थंबनेल अगर अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, चल अगली बार सही कर दूँगा, अगली बार भी सही नहीं करते ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तो जब भी आप वीडियो बनाओ तो वीडियो में चाहे आप 3 दिन दो चाहे 2 दिन दो, लेकिन ये मत सोचो कि अगर आपसे पर डे वीडियो नहीं डाल रही ठीक से तो आप 2 दिन में एक डाल दो, 3 दिन में एक डाल दो, हफ्ते में भी एक डाल सकते हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है डिजिटल करके कुछ एक चैनल है जो भी अभी ग्रो हुआ है कुछ टाइम पहले ही, गूगल एड्स की हेल्प से तो हुआ था वो ठीक है। तो उस वो भी अब वीक में जो थोड़ी बहुत वीडियो डालने लगे, वरना वो भी पहले एक वीक में एक ही वीडियो डालते थे ठीक है, और लेकिन वो अपनी कंटेंट में और हर चीज़ में ध्यान देते थे, इसलिए उनका चैनल आज बहुत अच्छे मुकाम पे है। तो आपको भी यही सोचना चाहिए कि किसी पैनल से वॉच टाइम लेने से अच्छा है कि मैं किसी कह रहा हूँ अपने ही कंटेंट पे ध्यान दूँ, एडिटिंग पे ध्यान दूँ, बोलने के स्टाइल पे ध्यान दूँ, थंबनेल पे ध्यान दूँ, थंबनेल कैची बनाऊँ इतना कि लोग क्लिक करने पे मजबूर हो जाए, जब क्लिक करें तो अंदर कंटेंट भी इतना अच्छा हो कि वो सब्सक्राइब करे बगैर या नेक्स्ट वीडियो जब आप डालोगे तो वो देखे बगैर रह ना पाए ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका वॉच टाइम भी बढ़ेगा और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और ऑडियंस बिल्ट होती चली जाएगी और आगे आपको फ़ायदा होगा और धीरे धीरे आप एक अच्छे मुकाम पर पहुँच जाओगे यूट्यूब पर भी। तो ऐसे ही होता है ठीक है। तो उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि वॉच टाइम हमें किसी पैनल के थ्रू नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मोनेटाइज के टाइम ही वो रिजेक्ट हो जाता है और वो टर्मिनेट कर दिया जाता है चैनल। 1000 सब्सक्राइबर जो आपने किए थे, 4000 घंटे का वॉच टाइम किया था, पैसे लगाए थे, सब कुछ वेस्ट हो गया ठीक है। तो इससे अच्छा है कि सीधा चलो, लंबा जो सीधा चलेगा वही लंबे इसका घोड़ा बनता है, मेरे को तो वो ठीक से बोला नहीं आ रहा अभी ठीक है। धीरे धीरे चलोगे तो ऊपर एक तरह से बेस बन जाता है ना, जब नीचे तो ऊपर जब हम चढ़ते हैं तो नीचे गिरने का कोई चांस नहीं होता, लेकिन अगर हम डायरेक्ट ऊपर पहुंचते हैं तो एकदम फट से नीचे गिरते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है, आराम से ऊपर जाना है ठीक है। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा कि हमें पैनल से सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाने, और समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, नहीं उस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में बताना कि कैसे लगी वीडियो, नॉलेजफुल लगी या नहीं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो का, स्टे ट्यून्ड।